बड़े और ताकतवर देश जब अपने देश की सुरक्षा और अन्य चीजों से जुड़ी नीतियां और योजना बनाते हैं और उन्हें अमल में लाते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब उनका प्रतिद्वंदी देश अपनी रक्षा आदि से जुड़ी योजनाओं की घोषणा करता है और उन पर काम करता है तब इन्हें भारी समस्या होती है। अभी हाल ही में पोलैंड ने कहा कि अगर अमेरिका जैसे उसके सहयोगी नेटो के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे क्षेत्र में न्यूक्लियर शेयरिंग के हिस्से के रूप में परमाणु हथियार तैनात करने का निर्णय लेते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। पोलैंड की इस योजना पर रूस ने चेतावनी दे डाली और नेटो की न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट को रूस के लिए धमकी बताया है। दूसरी तरफ खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मियों में बेलारूस में सामरिक न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं। पुतिन के करीबी सहयोगी रहे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गुरुवार को अपने देश के संभावित दुश्मनों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बेलारूस की धरती पर कदम रखा तो उन्हें न्यूक्लियर या परमाणु हथियारों सहित सभी प्रकार के हथियारों से तुरंत जवाब दिया जाएगा। लुकाशेंको ने कहा कि रूसी परमाणु हथियार उन पड़ोसी देशों के खिलाफ एक समाधान है जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है और बेलारूस की सीमाओं के पास तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन देश अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्होंने बेलारूसी धरती पर कदम रखा तो उन्हें रूसी संघ सहित सभी प्रकार के हथियारों से तुरंत जवाब दिया जाएगा। लुकाशेंको यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि पुतिन ने बेलारूस में जो सामरिक न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं वे उनके देश के दुश्मनों को नष्ट करने की क्षमता रखने के सिद्धांत में फिट बैठते हैं। बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात होने से पहले भी हम दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के इरादे में थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन्हें एहसास हो कि हम इतना हमला कर सकते हैं जितना वो सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि बेलारूस के पड़ोसी देश पोलैंड के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और उसे पश्चिमी देशों से भी खतरा है। बेलारूस का कहना है कि उसके दुश्मन बेलारूस को बर्बाद करना चाहते हैं। अब कौन किसको बर्बाद करने की योजना बना रहा है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपनी अपनी रणनीतियों पर सभी देश काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका पोलैंड में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से यूक्रेन के दुश्मन रूस पर दबाव बनाना चाहता है, या फिर बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रूस अपने दुश्मन यूक्रेन के सहयोगी यानी अमेरिका पर दबाव बनाने में लगा है, क्योंकि इतना तो तय है कि अमेरिका के दबाव से रूस यूक्रेन के खिलाफ सदे अंदाज में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अगर अमेरिका यूक्रेन से अपना हाथ उठा ले तो यकीनन रूस की यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता कई गुना बढ़ जाएगी।